अच्छा 18th ईयर है और आई थिंक इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, बहुत पुराना है. मेरे कैबिनेट में सारे अवार्ड्स हैं एक्सेप्ट फॉर ITA. तो आज मैं चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आज रात आज शाम मैं अवार्ड लेके जाऊँ बेस्ट एक्टर का इन द फीमेल कैटेगरी एंड दैट्स इट. हाँ, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा क्योंकि ढाई साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया एज एन एक्टर एंड दैट्स इट. आई थिंक ये अवार्ड मुझे मेरी जर्नी को शायद कंप्लीट कर देगा कहीं ना कहीं. मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आपके प्यार की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. शायद नहीं मिलता तो मैं इतना नहीं कर पाती. यू ऑल मोटिवेटेड मी, हर चीज़ में मुझे आप लोगों ने सराहना दी है एंड मैं भी आप लोगों को मिस करूँगी. बट नए शो में आप फिर आ जाइएगा और हम लोग फिर वही पागलपन करेंगे एंड दैट्स इट. आई थिंक इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड आई हैव हैप्पीली मूव्ड ऑन एंड आई एम डूइंग अ लिटिल हॉलीडे इन लंडन. अवार्ड्स अटेंड करने जा रही हूँ एंड आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ इस प्यार से और जो भी मुझे मिला है आज तक. आई थिंक आई एम जस्ट टू ग्रेटफुल. थैंक यू. आई एम वेरिंग अ नाइस लवली रोज गोल्ड सीक्वेंस जिसके साथ सीक्वेंस डिटेलिंग है. फैंसी पैंट्स की ड्रेस है एंड वेरी कम्फर्टेबल. आई गॉन विद अ नाइस स्लीक लुक ऑफ माई हेयर विद लिप्स एंड ऑल ऑफ दैट लिटिल बोल्डर. I think that's it. बहुत जल्द आप सबको बहुत सारी विशेज ऑफ द न्यू ईयर, बहुत सारी शुभकामनाएं. बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड दैट्स इट. दैट्स ऑल मैटर्स. सॉरी, there are so many talented people in that room and I'm so excited to see them take over the stage and to see who wins and who takes that award. Yes, last year my show POW was nominated and we won 3 awards and it was nice to be on that stage collecting the best show award for POW, so that was nice. I'm doing a couple of web shows. I am doing this show for Netflix called Selection Day and another one that is out is Girly Aapa. I'm doing Girly Aapa for TVF. That's very exciting because I'm playing, it's hostel girls, so it's about the girls in hostels and the craziness that happens. यही कहना चाहूँगी that keep loving us because your love keeps us going and whatever we do it for you.
Yes. I can't hear you. पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर. I come in. So obviously I'm excited. I've never come here before. It's my first visit here. पता नहीं अब अंदर जाके पता चलेगा क्या है कैसा है. Excitement तो है क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ. Sacred Games परुलकर, जिसे भी परुलकर का रोल जगह है. ये जिसके लिए मैं आया हूँ, मैं nominated हुआ हूँ इसके लिए. परुलकर के लिए बहुत बढ़िया है. बहुत अच्छी बात है कि वेबसाइट्स को भी अब हम ये बढ़ावा दे रहे हैं. वहाँ का भी जो काम है उसे हम सराह रहे हैं. सॉरी, आप ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए. बहुत मज़ा आया. बहुत मंझे हुए एक्टर्स हैं. सो मज़ा आता है ऐसे एक्टर्स के साथ काम करते हुए. प्रिपेयर ट्रेंड एक्टर्स हैं सब. सीजन टू अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो सीक्रेट है. बिल्कुल सीक्रेट गेम्स के सीक्रेट है. ज़्यादा कुछ तो हम कह नहीं सकते बिकॉज दिस इज़ अ शूट विच इज़ हैपनिंग. शूट जारी है, अब आप देखिएगा. बट डेफिनेटली ये जो सीजन बन रहा है, सीजन टू, इज फार मोर एक्साइटिंग देन सीजन वन. कीप वॉचिंग गुड कॉन्टेंट ऑल द टाइम एंड कीप अप्रिशिएटिंग ऑल दिस. थैंक यू. बाय बाय. ये कुछ खास नहीं है, ये बस सेंटा क्लॉज हैं इसमें और बनी है. क्या आप चाहते हो मैं पहन लूँ? ज़रूर. एक्चुअली आप सबको पता है मैं तेवर प्ले कर रहा हूँ कुल्फी में. एक दो बच्चों का बाप है हम लोग, मतलब पिता हूँ मैं. तो जब मैं अभी आ रहा था रास्ते से तो मुझे लगा ये उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा. तो मैंने सोचा क्रिसमस है और क्यों ना उनके लिए खरीद के लेके जाऊँ. बाप हूँ ना यार. एक्चुअली मैं अभी बोल ही रहा था कि आईटा या जो भी जितने भी अवार्ड्स होते हैं ना, वो हम लोगों के लिए ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल है. अगर वो एक महीने आगे पीछे होते तो लोग पूछते अरे वो नहीं हो रहा है क्या इस बार. तो ये ऐसा सा है. ऑब्वियसली 7 साल हो गए मुझे भी यहाँ पे. तीसरा आईटा होगा मेरा ये. और ये मेरा छोटा सा बेटा है जो यहाँ पर डांस कर रहा है. तो आईटा के साथ यादें जुड़ी हुई हैं. यही कि बुला लेते हैं यार, अच्छा लगता है हम लोगों को. अरे देख रहे हो, पूरा पैकेज दे रहा हूँ. मस्ती तो चल ही रही है यहाँ पे. ये क्या कुछ नहीं है, प्लीज. अरे नहीं, ओ गॉड, क्या मैं ये राज का पर्दा खोल सकती हूँ? कभी नहीं. क्या आप लोगों को ओके? नहीं नहीं, ये मेरे साथ 6 साल जब से मैं मतलब इंडस्ट्री में हूँ तब से मैंने देखा लोगों में पहना है. बहुत टाइम हो गया मुझे. लायर. दिस इंक्लूड सो मेनी थिंग्स. दिस इंक्लूड लड़की का झुमका, दिस इंक्लूड लड़के का दांत, दिस इंक्लूड बिल्कुल बिल्कुल भालू आलू आलू वालू सब है इसमें. सब इंक्लूड है इसमें. शालू भी है. ओके लेट मी सी. इसमें इस झुमके के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है. आप लोग ने शायद आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा. चल पता नहीं कहाँ कहाँ से. जितने भी लोग चाहने वाले ना, उन लोगों को एक ही बोलूंगा कि आप लोग हैं तो हम लोग हैं. आप लोगों के प्यार की वजह से ये भाई भी हमारा इंटरव्यू ले रहा है, वरना नहीं लेता. तो जस्ट मैं एक ही बात बोलूंगा आप लोगों को, ऐसे ही प्यार करते रहिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छे तरीके से इंटरटेन करें. यही हम कर सकते हैं. लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल. संवाददाता मैं इनके साथ. राज साहब, प्लीज.
ITA is now 18, so बहुत excited क्योंकि technically we can drink alcohol now. Oh my god, I'm very excited performances के लिए. क्या पता इस साल कौन डांस कर रहा है. I'm excited क्या होने वाला है अंदर देखते हैं. मैं एक्चुअली सिर्फ एक शो को सपोर्ट कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड उसमें है, कुल्फी कुमार बाजे वाला, दैट्स इट. मैं और टीवी नहीं देखती हूँ. हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी. प्लीज़ इस साल आप और अच्छे इंसान बनने की ओर बढ़िए. मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में. बड़े प्लान्स नहीं हो तो फिर लाइक आप इंसान अच्छे बनो, ईमानदार बनो. आई थिंक दैट इज़ इनफ. सो हैप्पी न्यू ईयर. बाय गाइस. Yes, hello. बहुत excited है actually. Yeah, I think ITA has been now an adult. So we are going to celebrate the adulthood of ITA. 18 years, yes, yes. Yeah, actually, we are waiting for a fun-filled evening. Yeah, I am actually waiting for some classical numbers if they have. So that's what I look. But I am all game for the Bollywood numbers also. What? I think New Year, New Year. Okay, so New Year resolution. I just want to wish everyone. Don't make any resolution that you cannot fulfill for at least next 6 months. I think everybody be fit, have a rocking new year. 2019, it's going to be very positive and rocking. So yeah, and ITA, happy birthday for 18 years now. 18 years ITA. Yeah. Happy birthday ITA, you're legal, you can do whatever you want now. Happy birthday, 18 years. जी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला ITA एक्सपीरियंस है लाइफ का. हालांकि मैं नॉमिनेटेड भी हूँ तो वो एक्सपीरियंस थोड़ी एक्साइटिंग सी हो गई है. एंड आई थिंक इट्स ग्रेट क्योंकि आई थिंक एवरी चैनल इज़ अ पार्ट ऑफ ITA एंड इट्स द बिगेस्ट टेलीविजन अवार्ड फंक्शन दैट वी हैव इन द कंट्री. एंड या गॉड ब्लेस ITA. मेरा कोई परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन मैं नॉमिनेटेड हूँ बेस्ट एक्टर जूरी में. तो अगर मुझे वो मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं भी मिला तो भी वेल एंड गुड क्योंकि मेरे साथ बहुत ही बढ़िया कलाकार नॉमिनेटेड है. एंड आई विश द बेस्ट फॉर देम एज वेल. विशेज, हालांकि मैं ऐसे विशेज देता नहीं हूँ बट आई जस्ट होप यू बिकम अ बेटर पर्सन एवरी डे एंड लव योर पेरेंट्स, लव योर फैमिली एंड जस्ट बी अमेजिंग इन हार्ट. दैट्स इट. Thank you. Oh no, I'm just joking. Ready? Steady? Go! सबसे पहले तो हम हमारे बिहाफ पे इंडियन टेलीविजन एकेडमी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं 18वीं सालगिरह पर. और ये भी कहना चाहूँगा कि 18 साल पहले जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो हम लोग वहीं थे और पहले साल से इसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं. कभी परफॉर्म करते थे, कभी अवार्ड जीतते थे, कभी अवार्ड देते हैं. और लेकिन ये मेरे लिए और हमारे लिए एक्चुअली बहुत कैसे ऐसा कहें कि घर की बात है. आई हैव सीन ITA बीइंग बोर्न, आई हैव सीन ग्रेट बीइंग बोर्न एंड फॉर मी इट्स अ ग्रेट फीलिंग ऑफ प्राइड दैट टुडे ITA इज टर्निंग 18 एंड आई थिंक इट्स वेरी मच. यस, कांग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर. Anything you want to share? Yeah. Awesome memory. When we took part in the ITA theme song, I think that was a lovely memory. I still remember the day we shot. और हम लोग आई थिंक रेनेसों और पवई में शूटिंग कर रहे थे और मैं और शशि जी पूरा दिन हम लोग खाली गप्पे ही मारते रह गए. और बहुत ही अच्छी अच्छी यादें उस थीम सॉन्ग को लेकर. मैं हमेशा कहता हूँ कि उस थीम सॉन्ग को वापस रीमेक करना चाहिए उस जमाने के एक्टर्स और आज के एक्टर्स के साथ. जी जी
वेब सीरीज तो फ्यूचर है, जितना देख रहे हैं आप डिजिटल वेब सीरीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो फ्यूचर है, और बहुत अच्छा काम करने को मिल रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है ऑलरेडी इंडिया में. अभी नेसेंट स्टेजेस में है, लेकिन बहुत ही जल्द आई थिंक हम लोग भी वेस्ट को कैचअप कर लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ITA अगले साल एक स्पेशल वेब अवार्ड्स भी करेगा. Hi, this is Rohit Roy. And this is Mansi Joshi Roy. And we wish all of you a very, very happy New Year. Looking forward for some wonderful performances. और हमेशा से you know ITA awards कमाल के performances देता रहा है. एक एक talent को नया platform हमेशा मिलता है इस मंच पर, और मुझे पक्का है कि जब भी अंदर हम लोग जाएंगे तो एक से एक बढ़िया performances मिलेंगी. Award तो हमको तो नहीं मिल रहा है, तो ये तो मुझे नहीं पता किस किस को मिल रहा है, but I am happy जिनको भी awards मिल रहा है उनको उनके लिए जी. मैं मुझे जो याद रहेगी, आई थिंक पोस्ट बिग बॉस जब मैं मेरा सीज़न टू मैंने ख़त्म किया था, आई थिंक वो ख़त्म होने के बाद मुझे ITA में परफॉर्म करने का मौका मिला था तब. सो मैं मेरे लिए वो मंच इतना बड़ा था, और ऐसा लग रहा था कि मैं एक ड्रीम वर्ल्ड में आ गई हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से ड्रीम रहा था कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं परफॉर्म करना चाहती थी, एक बड़े मंच पर जहाँ पर आपको दुनिया देखे, यू नो मैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जैसे जो आम जनता होती है, मैं भी उन्हीं लोगों में से आई थी, तो मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था. सो या ये मेरी मेमोरीज जुड़ी हैं ITA से, और बड़ी खुशी होती है जब भी ये मोमेंट याद करती हूँ मैं. तो बिग बॉस इस बार का नहीं, बिकॉज आई एम सॉरी, बिग बॉस बहुत बोरिंग है इस बार का. जो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था देखना, और जो मैं थोड़ा बहुत बीच बीच में देखती रही ऑन एंड ऑफ, आई थिंक मुझे लगता है श्रीशांत विनर हो सकते हैं, तो उनको होना भी चाहिए, बिकॉज और कोई मुझे डिजर्विंग नहीं लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि श्रीशांत डेफिनेटली होने चाहिए, बिकॉज काफ़ी एक गेम खेलते हुए भी काफ़ी अच्छा इंसान लग रहा है वो मुझे. कौन सा भाई बहन का रिश्ता, सॉरी किसका भाई बहन का रिश्ता बना है? नहीं 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 नहीं, देखो ये बिग बॉस के रिश्ते ना, ये बहुत बिग बॉस तक ही रहते हैं. हाँ मैं कहूँगी कि फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन ये जो भाई बहन और प्रेमी प्रेमिका ये सब नहीं, ज़्यादा देर नहीं चलता है एज़ फार एज़ आई नो. मैंने तो ख़त्म होते हुए देखी है चीज़ें, और मेरा बिग बॉस के जो झगड़े थे या फिर दोस्तियाँ थी कभी नहीं चली. आप जिनके आप दोस्ती उन्हीं के साथ बना के रखते हो जिनके साथ एक्चुअली दिल से रिश्ता बाद में जुड़ता है, बिग बॉस के ड्यूरिंग आप सिर्फ गेम खेल रहे होते हो. एनीथिंग एल्स? या सो दिस इज हाय, दिस इज संभावना सेठ. Hi, this is Avinash Dwivedi. And wishing everyone a very happy New Year. Thank you so much. Hello. नहीं हुआ है वो. Oh my God, news. It's back. At 6 PM slot, yeah. I think it's one of the shows in the history of television, first time it's gone off and come back. Yeah, it's not the history, but yeah, for me, yeah. Aisa hua hai. Yeah, absolutely. Absolutely. I'm quite excited to see all the performances, and I think the main reason to come here is because it's a very, very respected award show. And we get to meet our own fraternity people and everybody else. And everybody else. Yeah. So yeah. So it's very very exciting to be here. It's good for you know the industry to award people who are doing a good job. We all are actors, and it's always good to get some appreciation. So it's a good way to appreciate people. Okay,
में इसका सिलसिला कुछ ऐसा चल रहा है कि ये कलश से बंद होकर वुड पे गया था और अब वापस कलश पर आ गया 6 PM टाइम स्लॉट. सो या इसका कुछ अलग ही सिलसिला चल रहा था. wish all of you a very very happy new year. I hope 18 was very good and 19 has to be better. Yeah, wish you all good health and happiness always. God bless you. Thank you. Thank you.